और ध्यान रहे, कल प्रातः मुझे यहीं पर मिलना। बल 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 बल, ये वानर बालक तो बड़ा ही बलशाली है। चक्रासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का भी अंत कर दिया। ये संदेश मुझे अति शीघ्र रावण तक पहुंचानी होगी। बल 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 बल, कहां भागे जा रहे हो? कौन हो तुम? बल 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 मैं हूं तुम अतिबल, तुम्हारा ही आत्मस्वरूप। मेरा आत्मस्वरूप? ओह, कोई भी हो, मैं इस समय रावण के पास अति आवश्यक कार्य से जा रहा हूं। यदि तुम मेरे ही आत्मस्वरूप हो तो आओ आओ मुझ में समा जाओ, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। जाओ जाओ जाओ। रावण के पास जा रहे हो, किंतु कहोगे क्या उनसे? आधी अधूरी सूचना लेकर जाओगे? लंकेश के क्रोध को तो तुम भली भांति जानते हो, यदि फिर भी जाना चाहते हो तो जाओ 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 जाओ। अरे जाओ, लंकेश के क्रोध की अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं को प्रस्तुत समझो। जाओ जाओ जाओ। बल बला बल बल। स्मरण है ना रावण ने तुम्हें क्यों भेजा था? उस वानर बालक के अतुलित बल के पीछे कौन कौन से देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है? किस देवता की शक्ति के बल पर वह वानर बालक इतना शक्तिशाली बना हुआ है? कर ली सारी सूचना एकत्रित? बल बला बल बल। मैं पूरी सूचनाएं लेकर ही रावण के पास जाऊंगा। कौन है वो देवता जिसकी शक्ति उस वानर बालक के पीछे है? चल अति बल, बल बला बल बल। हे भोलेनाथ, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने मेरी प्रार्थना अवश्य स्वीकार की होगी। हमारी प्रजा सुरक्षित होगी, सैनिकों ने अवश्य चक्रासुर का अंत कर दिया हो। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु। मारुति, सखा अभी प्रातः तो नहीं हुई है ना?